हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साइंस सिटी। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, जो कि बिलोंग करता है सेवेंथ क्लास साइंस से, सेकंड चैप्टर ऑफ सेवेंथ क्लास। पर स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल साइंस सिटी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू। सो जानते हैं न्यूट्रिशन है क्या। मोड में कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड ले रहा है, सो मोड ऑफ इनटेकिंग फूड, उसको ही कहा जाता है न्यूट्रिशन। और हम बात करने वाले हैं एनिमल्स में कैसे डिफरेंट वे से एनिमल्स जो है अपना फूड लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैं वो जो अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं बहुत सारे प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। सो हम बात करने वाले हैं डिफरेंट एनिमल्स की। एनिमल्स जो है प्लांट पे और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, राइट। सो एनिमल्स जो हैं, लाइक बात करें लाइस की, जो की तो ब्लड को सक करती है, सो ब्लड इसका फूड है। और मोड ऑफ सकिंग यहाँ पे है सकिंग, मोड ऑफ फीडिंग जो है इसका है सकिंग, यानी कि खून को चूसने वाला ऑर्गेनिज्म है। ऐसे ही ईगल जो है, बाज जो है, वो क्या खाता है, फ्लैश खाता है। और मोड ऑफ फीडिंग जो है उसका है स्वेलो, यानी कि डायरेक्ट फूड को स्वेलो करता है, बाद में उसका डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। और भी ऐसे डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनका मोड ऑफ टेकिंग फूड जो है डिफरेंट है। जैसे बीज और हनी हमिंग बर्ड की अगर बात करें तो वो प्लांट नेक्टर को जो है शक करते हैं, सो वहाँ पे उनका फूड रहेगा प्लांट नेक्टर, और जो मोड ऑफ फीडिंग रहेगा वो रहेगा सकिंग, राइट। जैसे ये लाइस है, जू है, जू क्या करती है, ब्लड को शक करती है। ऐसे ही जैसे अगर स्नेक की बात करें, स्नेक जो है वोल एनिमल को स्वेलो कर लेता है, सो उसका फूड जो है, एनिमल है कोई भी, वो जो भी उसका फूड रहेगा उसको क्या करता है, उसको स्वेलो कर लेता है। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इन्फेंट है या फिर बेबी है, वो अपने मदर्स के मिल्क पे डिपेंड करता है फूड के लिए, और उसका मोड ऑफ फीडिंग रहेगा सकिंग, ठीक है। सो एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली अपने फूड को या तो स्वेलो करते हैं। अगर बात करें ह्यूमन की, ह्यूमन जो है अपने फूड को क्या करता है, डायरेक्ट स्वेलो करता है। जो सॉलिड मटेरियल खाता है उसको डायरेक्ट क्या करता है, स्वेलो करता है। फिर उसका बाद में जाके डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और जो भी प्रोसेस होता है वो बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं। सो डाइजेशन होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसका होता है डाइजेशन। अब ये डाइजेशन है क्या, डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंस या सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सो जो कार्बोहाइड्रेट है वो डायरेक्टली एक क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है। इसका ब्रेकडाउन हो जाना ग्लूकोज के अंदर, अब जो ग्लूकोज में ये ब्रेक हो जाएगा वो क्या है, एक सिंपलर पार्टिकल होगा। सो डाइजेशन जो है वो है क्या, डाइजेशन ऐसे एक प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ऐसे ही प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूट जाएगा ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो हम खाते हैं दाल से लेते हैं, सोर्स जो है दाल है, वो टूट जाता है अमाइनो एसिड्स के अंदर। ऐसे ही जो हम फैट खाते हैं, घी एंड ऑयल, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल के अंदर। सो डाइजेशन इन ह्यूमन में हमें पढ़ना है, डाइजेशन इन ह्यूमंस, जो ह्यूमन है वो अपने फूड के लिए या तो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम खाते हैं वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स खाते हैं, या फिर डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे, यानी या खा रहे हैं एग या फिर मीट या फिर दूध जो खा रहे हैं। सो एनिमल्स जो ह्यूमन है वो अपने फूड के लिए डिपेंड करता है या तो प्लांट पे या फिर एनिमल्स पे। अब ये फूड जो है वो पास करेगा एक कैनाल के थ्रू इनसाइड आवर बॉडी, यानी कि एक ट्यूब सी स्ट्रक्चर के अंदर जो है फूड पास करेगा। इसी फूड कैनाल के अंदर जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट भी होगा, एब्जॉर्ब भी होगा, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और यूटिलाइज होगा उस फूड का, यूटिलाइज हमें यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करने में वो जो है हेल्प करेगा, और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो इजेक्ट आउट भी वहीं से होंगे, उसी ट्यूब से होंगे। सो ये सारा काम कहाँ होता है, हमारी कैनाल के अंदर, और इसी कैनाल को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलाइनमेंट का मतलब होता है टू नरिश, यानी कि जो नरिश प्रोवाइड कर रही है, नरिशमेंट दे रही है बॉडी को। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है एलाइनमेंट, और इसका मतलब है टू नरिश,
यानी कि जो हम फूड ले रहे हैं वो हमारी एक कैनाल के थ्रू जाएगा और उस कैनाल को हमें कहा जा हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और अलाइनमेंट का मतलब होता है टू नरिश, और जो अलाइनमेंट है ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी लंबाई होती है 25 फीट या फिर 7.262 मीटर। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लंबाई है 25 फिट टू 30 फिट। सो ये है हमारी फूड ट्यूब या फिर एलिमेंट्री कैनाल, हम इस ट्यूब को कह सकते हैं, जो कि माउथ से स्टार्ट होके और एनस तक रहती है, एनस पे एंड करती है। माउथ से स्टार्ट होके यहाँ नेक्स्ट पार्ट होता है बकल कैविटी, और लॉन्ग ट्यूब जो ये बकल कैविटी को स्टमक तक मिलाती है इसको कहा जाता है इसोफेगस। देन हमारा स्टमक है, इसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो बहुत कॉइल्ड फॉर्म में होती है, और सबसे जो लंबी होती है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, और डाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करने वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आने वाली है लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, और लास्ट जो है रहेगा एनस। सो दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि बताया कि स्टार्ट होती है माउथ से या फिर बकल कैविटी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट है इसोफेगस या फूड पाइप, इसोफेगस एंड करती है स्टमक पे, और स्टमक जो है फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन को लीड करता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन आती है, और रेक्टम से होते हुए एनस पे जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारी ट्यूब है, वो एंड हो जाती है। सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और इसी एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएट करती हैं कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं हमारी बॉडी में मेनली प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ होती हैं। सो फूड को पास करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन फूड को डाइजेस्ट होने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस की ज़रूरत है, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोवाइड करवाती है। अगर हमें कुछ भी फूड कुक करना है, लाइक हमें राइस कुक करना है, तो हम क्या उसको अगर ऐसे के ऐसे रखते तो वो कुक हो जाएंगे? नहीं, हमें उसके गैस जो है हमें ऑन करनी पड़ेगी, राइट? तो गैस ऑन करनी पड़ेगी जो कि एक्टिवेट करेगी उसको कुक होने के लिए। तो यही काम जो है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड करती हैं पास होने के लिए, फूड को पास होने के लिए एलिमेंट्री कैनाल तो है, लेकिन एक्टिवेटर उसको ज़रूरत है, फूड को जो है कुछ एक्टिवेटर की ज़रूरत है डाइजेस्ट होने के लिए। सो वही एक्टिवेटर जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है प्रोवाइड कराती है, और उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है डाइजेस्टिव जूसेस। और ये डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करने वाली ग्लैंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड हैं वो है सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में, देन लीवर और पेनक्रियाज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले। सो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है दोनों मिलके बनाती हैं। द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलके एक सिस्टम बनाती है जो कि ह्यूमन के अंदर फूड का डाइजेशन करवाता है, और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये है स्टेप्स ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस के स्टेप क्या क्या हैं? फर्स्ट है इंजेशन, यानी कि फूड का इनटेक होगा, कहाँ से होगा? माउथ के थ्रू होगा। देन फूड जो है डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट जो है डाइजेशन का मतलब है कि जो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जितने भी बड़े कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उनका सिंपल मोलिक्यूल या सिंपल पार्टिकल में। देन होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मीन्स कि जो भी स्मॉलर पार्टिकल हैं उनका एब्जॉर्प्शन होगा, वो सेल तक जाएंगे, वहाँ पे एनर्जी जो है वहाँ पे क्रिएट होगी। एसिमिलेशन यानी कि उस एनर्जी का यूज़ होना, उस फूड का यूज़ होना ही एसिमिलेशन। देन इजेशन यानी कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड इस डाइजेशन प्रोसेस में क्रिएट हुआ है उसका बाहर निकालना, आउट ऑफ बॉडी करना उसको, उसे कहा जाता है इजेशन। सो देखते हैं, यह इंजेशन
इंजेक्शन, इंजेक्शन है प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड थ्रू द माउथ, उसे कहा जाता है इंजेक्शन। डाइजेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। देन एब्जॉर्प्शन है जिसमें डाइजेस्टेड फूड जो है एंटर करता है ब्लड वेसल्स के। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब है कि जो भी फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी सेल तक पहुंचाना ताकि हमें एनर्जी मिल सके, ग्रोथ हो सके हमारी बॉडी की, और जो भी इंजरी या फिर टूट फूट होती हैं बॉडी के अंदर या बाहर उनकी रिपेयर के लिए, ठीक है, सो उसे कहते हैं असिमिलेशन। इजेशन जो है, इजेशन का मतलब जो भी फीकल मैटर है उनका, उसका टू गेट आउट ऑफ बॉडी, उसे कहेंगे इजेशन। सो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है माउथ और बकल, माउथ या बकल कैविटी में मेनली हमारे थ्री ऑर्गन्स हैं, टिथ है, टंग है और लिप्स है। इसके अलावा है सलाइवा, सलाइवा जो जिसको सिक्रीट करने के लिए है, सलाइवरी ग्लैंड माउथ के अंदर प्रेजेंट है। टिथ क्या काम करते हैं? टिथ हेल्प करते हैं चू करने में, यानी कि चबाने में फूड को हेल्प करते हैं। सलाइवा जो है वो हेल्प करता है फूड का डाइजेशन, हाफ डाइजेशन माउथ में हो जाता है, वो देखते हैं आगे कैसे होगा क्या होगा। सलाइवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट है माउथ के अंदर वो सिक्रीट करती है सलाइवा, जो कि फूड के साथ मिक्स हो जाएगा, फूड को मॉइस्ट बनाएगा और इसका जो फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक कर देगा शुगर के अंदर। हम अगर फूड को काफ़ी देर तक चबाते रहते तो उसमें थोड़ी देर के बाद हमें स्वीट टेस्ट आने लगेगा, वो इसी वजह से, क्योंकि जो स्टार्च होती है फूड के अंदर वो ब्रेक हो चुकी है शुगर में। नेक्स्ट ऑर्गन है टंग। टंग क्या करती है? जो माउथ के अंदर टंग है वो हेल्प करती है मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा। इसके अलावा जो टंग है उस पर होते हैं टेस्ट बड, जो कि हमें फूड के टेस्ट का पता कराने में हेल्प कराते हैं। इसके अलावा टंग जो है हमारे लिए हेल्पफुल है इन स्पीकिंग, टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। इसके अलावा मिक्सिंग में हेल्प करती है टंग, और जो लिप्स हैं वो दे डोंट लेट द फूड आउट ऑफ माउथ। सो इस तरह से माउथ के अंदर हमारे पास थ्री ऑर्गन है, टिथ, टंग एंड लिप्स, और इसके अलावा हमारे पास है सलाइवा। ये देख सकते हो माउथ का डायग्राम, यहाँ पे लिप्स हैं, ये हमारे टिथ्स हैं, ये टंग है, और यहाँ होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। और बात करते हैं अब टिथ के बारे में। टिथ जो है ह्यूमन के लाइफ स्पैन में दो बार ही निकलते हैं, जो फर्स्ट निकलते हैं बचपन में उनको कहा जाता है मिल्क टिथ, जो कि 6 to 8 ईयर एज तक गिर जाते हैं। देन आते हैं परमानेंट टिथ, जो कि मिल्क टिथ के गिरने के बाद जो टिथ आते हैं उनको कहा जाता है परमानेंट टिथ, और जो कि लाइफ टाइम तक ह्यूमन के रहते हैं। टाइप्स ऑफ टिथ यहाँ देखें तो 4 टाइप्स ऑफ टिथ हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जो फ्रंट के हमारे ये 4 टिथ हैं वो कहलाते हैं इंसीजर, देन 1 ऑन ईच साइड इसे कहते हैं कैनाइन टिथ, देन 2 टिथ इनको कहते हैं प्रीमोलर टिथ, और जो 3 टिथ लास्ट हैं उनको कहा जाता है मोलर टिथ। सो यहाँ से फॉर्मूला बनता है 2 1 2 3। तो टिथ को याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं कि 2 इंसीजर टिथ, 1 कैनाइन टिथ, 2 प्रीमोलर टिथ और 3 मोलर टिथ, ऐसे ही इधर ही 2 1 2 3। टूथ डिके, ये टर्म तो सुनी होगी आपने, टूथ डिके, या फिर लोकली हम इसे कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया, बट एक्चुअली कोई कीड़ा नहीं लगा होता, वो होता है टिथ का डैमेज और डिग्रेडेशन। सो टूथ टिथ का जो डिग्रेडेशन है उसी को टूथ डिके बोलते हैं, या फिर लोकली बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया। सो टूथ डिके में होता क्या है, जो बैक्टीरिया हैं, जो भी फूड पार्टिकल हमारे माउथ में बच जाते हैं, वो टूट जाते हैं एसिड के अंदर, और एसिड बनके जो टिथ है उसका डिके होने लगता है, जिससे पेन होता है, इवन जो दांत है वो निकलवाना भी पड़ जाता है, या फिर टूथलेस हो जाते हैं हम कई बार। और ये होता किस लिए है? क्योंकि शुगर कंटेंट हमारे फूड के अंदर ज़्यादा लेते हैं, हम सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से होता है टूथ डिके
या फिर टूथ डैमेज। हमें करना है प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके। सो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं टूथ डिके को, हमें अपने दांत जो है वो 2 times ब्रश करने चाहिए, डेंटल फ्लोस से उनको अंदर से साफ करना चाहिए। इसके अलावा हमें हर मील के बाद अपने माउथ को रिंस कर लेना चाहिए, कुरला कर लेना चाहिए। डू नॉट पुट आर डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश्ड फूड आइटम इन योर माउथ। कोई भी अनवॉश्ड फूड आइटम या फिर कोई भी मेटल चीज़, जैसे कि लोहे की चीज़ को हम काट लेते हैं, वो सब हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें नाइट में ब्रश करके सोना चाहिए। ऐसे ही हम अपने टूथ डिके से दांतों को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो माउथ के बाद हमें नेक्स्ट पार्ट करना है एलिमेंट्री कैनाल का, फूड पाइप या फिर इसोफेगस। फूड पाइप के साथ ही होती है विंड पाइप, और विंड पाइप को एक जो है वॉल्व जो है बचाता है, ढक के रखता है, उसे कहते हैं एपिग्लोटिस। यहाँ हमें बात करनी है फूड पाइप या फिर ईसोफेगस के बारे में। फूड पाइप जो है स्टार्ट करती है नेक रीजन से और चेस्ट एरिया तक ये एनिमल के अंदर आती है। जब फूड हम च्यू कर चुके होते हैं, चबा चुके होते हैं, उसका वहाँ पे स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फूड जो है फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। इसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है, माउथ से स्टमक के अंदर जाता है। फूड मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियस है कि फूड का किस डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ देख सकते हो कि डायरेक्शन जो है फूड की यहाँ पे डाउनवर्ड है, और जो फूड है वो पेरिस्टाल्सिस मोमेंट से नीचे की साइड जाता है इसोफेगस के अंदर। यह इसोफेगस, इसोफेगस के बाद जैसे ही पोर्शन स्टार्ट होता है, वो पोर्शन है स्टमक का। स्टमक के यहाँ पे 3 parts दिखाए गए हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक रीजन। सो ये डायग्राम शो कर रहा है कि कैसे इसोफेगस स्टमक में लीड करती है, फूड को कैसे स्टमक में पहुँचाती है। नेक्स्ट है स्टमक। अभी तक हम पढ़ चुके हैं माउथ, माउथ यानी बकल कैविटी, और उसके बाद हमने किया फूड पाइप या इसोफेगस, और थर्ड पार्ट जो हम एलिमेंट्री का कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल का, वो है स्टमक। स्टमक जो है वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। वाइडेस्ट पार्ट है स्टमक, और लॉन्गेस्ट पार्ट अगर पूछा जाता है तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्टमक है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ देख सकते हो कि स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यू शेप। स्टमक ऊपर से फूड पाइप या इसोफेगस से कनेक्टेड होता है, और जो लीड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो है स्टमक वो खुलता है। स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो 3 things प्रोड्यूस करती है, 3 substances प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट है म्यूकस, देन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और थर्ड इज डाइजेस्टिव जूसेस। सो ये 3 जो चीज़ है वो स्टमक की लाइन प्रोड्यूस करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। अब देखते हैं इनके फंक्शन क्या है। म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को, कहाँ, किससे, HCl से। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है, बैक्टीरिया जो हम फूड खा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे स्टमक में पहुंच जाते, तो उनको किल करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हेल्प करता है। डाइजेस्टिव जूस जो है वो हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में, ब्रेक डाउन करते हैं मेनली यहाँ पर प्रोटीन का, सिंपल सब्सटेंसेस में। और यहाँ पर प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा अमाइनो एसिड्स के अंदर। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोयल्ड है और सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, सबसे लंबा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, और सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट है वो है स्टमक। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली कोयल्ड होती है, और इसकी जो ऑलमोस्ट लेंथ होती है वो 7.5 meters होती है। जो लीवर और पेनक्रियाज है वो अपने डाइजेस्टिव जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं। इनर लाइनिंग जो है इंटेस्टाइन की वो सिक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक करती है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में, और प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स के अंदर। सो लीवर और पेनक्रियाज के डाइजेस्टिव जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही आ रहे हैं, और इसके साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के भी कुछ जूस जो वो सिक्रेट करती है वो इसके अंदर रिलीज होते हैं, जिससे ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का।
इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है वो है विलाई। विलाई जो प्रेजेंट होती है वो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये सरफेस एरिया जो है इंक्रीज कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज कर सके। ऐसे फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शंस विलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होते हैं ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिससे सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होगा और जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वैसे ही एब्जॉर्प्शन की सरफेस भी इंक्रीज होगी और फाइनली जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर कर जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट्स हैं ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो फर्स्ट पार्ट जिस में स्टमक ओपन होता है ये वो पार्ट है ड्यूडेनम। स्टमक से फूड जो है ड्यूडेनम पार्ट में आता है और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है। डाइजेस्टिव जूसेस जो है लीवर और पेनक्रियाज के जो कि कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट से यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ फर्दर ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। जेजुनम जो है मिडल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ पे विलाइक स्ट्रक्चर जो है वो मिलती है और एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन यहाँ पे होता है। इलियम जो है वो लास्ट और थर्ड पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का और यहाँ पे इस पार्ट में एब्जॉर्ब होते हैं विटामिन B12, बाइल एसिड और अदर न्यूट्रिएंट जो भी फूड के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं। सो ये देख सकते हो कि जो स्टमक है वो इस ड्यूडेनम पार्ट में ओपन हो रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बिल्कुल एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो फिट हुई होती है और 7 मीटर जो है इसकी लेंथ होती है। इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन फूड जो है आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है आता है अनडाइजेस्टेड फूड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन पास करती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक और वाइड स्ट्रक्चर है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। मेन फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करे और जो सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब करे और अनडाइजेस्टेड फूड को पास आउट कर दे और नेक्स्ट ऑर्गन में पास कर दे जो है रेक्टम। सो रेक्टम से जो फूड है वो पास हो जाएगा नेक्स्ट एनस के थ्रू जो है बाहर इजेक्ट आउट हो जाएगा। सो नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया ऐसी कंडीशन है जब वाटरी स्टूल अपीयर होता है, ठीक है, तो लूज मोशन जो है उसी को डायरिया कहा जाता है। होता क्या है, इसका रीज़न क्या है? फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन हो जाए स्टमक में, सो उसकी वजह से होता है डायरिया। और सीरियस डिजीज़ है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस यहाँ पे होता है। और जब भी डायरिया होता है तो रिकमेंड किया जाता है पेशेंट को कि वो ORS जो है घोल जिसको कहा जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, उसको बॉयल किए हुए पानी को ठंडा करके उसमें डिजोल्व करके पिए ताकि जितने भी उसके अंदर आयन है वो मेंटेन करवाए जा सके और बॉडी फंक्शन को फिर से नॉर्मलाइज किया जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायरिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो घास खाने वाले हैं उनके अंदर पड़ने वाले हैं डाइजेशन प्रोसेस। जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स है लाइक काउ है, बफेलो है, इन्हें कहा जाता है रूमिनेंट। और रूमिनेंट के अंदर एक एडिशनल स्ट्रक्चर होती है जो है रूमेन, जिसे नाम दिया गया है रूमेन। रूमेन क्या है? एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होती है रूमिनेंट के अंदर, जैसे काउ और बफेलो के अंदर। पहले तो ये एनिमल जो है जो ग्रास खाते हैं उसको डायरेक्टली स्वॉलो कर लेते हैं, उसको च्यू नहीं करते, फूड को चबाते नहीं हैं, यानी कि उस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को अपने रूमेन में स्टोर कर लेते हैं और इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को कहा जाता है कड। इसे कहा जाता है कड। और कड जो है इनके अंदर फाइनली कहाँ स्टोर होता है? रूमेन के अंदर स्टोर होता है। और जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में ये अपने कड को माउथ में ले आते हैं और वहाँ ये इसको च्यू करते हैं बैठ के। इसी प्रोसेस को कहा जाता है रूमिनेशन।
भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनको कहा जाता है रूमिनेंट, और रूमिनेंट के अंदर स्ट्रक्चर होती है रूमेन जो कि स्टोर करती है कड को, और कड जो है पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है, और कड को ही चू करना बैक लाके माउथ में लाके रिटर्न करके इसे कहा जाता है रूमिनेशन। ये देख सकते हो रूमिनेशन रूमन जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर शो हो रही है, सेक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और प्रेजेंट होती है फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। नेक्स्ट है डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस मेड अप ऑफ वन सेल। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और एक ही सेल है, तो सभी जो फंक्शन है डाइजेशन है इजेशन है जो भी प्रोसेस है वो यही एक सेल परफॉर्म करेगी। यहाँ होता क्या है कि जैसे ही कोई फूड पार्टिकल अमीबा के नियर बाई आता है तो ये उसको स्यूडोपोडिया की हेल्प से एक वैक्यूल बना के अंदर ले लेता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। और ये उसको अपने पूरे साइटोप्लाज्म में घुमाता है, डाइजेस्ट करवाता है, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो भी फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसकी बॉडी से या सेल से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल से बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा। इसके अंदर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से जो है ये फूड को अंदर लेता है। सो नेक्स्ट है रूमिनेंट। रूमिनेंट किसे कहा जाता है, अभी बात कर चुके हैं। रूमिनेंट जो है जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उन्हें कहा जाता है रूमिनेंट। इन्हें क्यों रूमिनेंट कहा जाता है, क्योंकि इनके पास एक एडिशनल स्ट्रक्चर होती है जो हम बात कर चुके हैं, यानी रूमेन जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है। रूमेन जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है, और ये ऑर्गेनिज्म ये जो एनिमल हैं वो अपने फूड को डायरेक्ट स्वेलो कर लेते हैं और बाद में उसको चू करते हैं लेटर ऑन। ठीक है, द एनिमल दैट स्वेलो देयर फूड एट फर्स्ट एंड देन चू इट लेटर ऑन। इस ऐसे ही एनिमल्स को कहा जाता है रूमिनेंट। ग्रास ईटिंग एनिमल जो है मेनली वो रूमिनेंट कहलाते हैं, और इनके अंदर एक डिफरेंट जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो भी ग्रास खाई जा रही है तो उसके अंदर प्रेजेंट है सेलुलोज। अब उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट बैक्टीरिया है जिसे कहा जाता है सेलुलेज, जो कि इनके स्टमक। सो रूमिनेंट के अंदर जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक डिफरेंट बैक्टीरिया स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो यहाँ हम कर चुके हैं कंप्लीट डाइजेशन इन एनिमल्स, डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।